वेलकम टू माय चैनल गाइस। गाइस जो आज की वीडियो डाटा कॉर्पोरेशन लिमिटेड पे है, ये भी हमारी स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप दे सकते हो 5600 करोड़ की है। करंट प्राइस का 200 है, जो कि इसका हाई और लो दे सकते हो 340 रुपये तक। इसका 52 का हाई गया था, मतलब अभी 209 के बीच में मिल रहा है। अभी आपको स्टॉक भी देखो 35 है, बुक वैल्यू से 75 है, डिविडेंड 0.60% तक का दिया है। स्मॉल कैप होकर भी इसने डिविडेंड दिया है गाइस। आरओसी देख सकते हो 5%, आरओई 3% है। फेस वैल्यू 1 रुपीज के, डेप्थ आप देख सकते हो 45 करोड़ रुपये का इसका डेप्थ चल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग भी 33% तक की है। ठीक है गाइस, वैसे प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो 11.33% के, सेल्स ग्रोथ भी 77% के देखने को मिलती है। डेल्टा कॉर्पोरेशन इज करंटली ऑपरेट इन द गेमिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड ऑनलाइन स्किल गेमिंग सेगमेंट में आती है गाइस। वही डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड इज द लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी है इंडिया की। दे आर द ओनली लिस्टेड कंपनी इन द कैसीनो गेमिंग विद 2000+ लाइव गेमिंग पोजिशन। दे हैव मैनेज टू कैप्चर 55% ऑफ मार्केट शेयर इन द ऑर्गेनाइज्ड कैसीनो मार्केट। तो गाइस इससे आप ये भी देख सकते हो, जैसे आपको देखो कैसीनो से रिलेटेड जो भी कंपनी काम करती है, अब देखो कैसीनो बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 75% ऑफ टोटल इनकम, ऑनलाइन गेमिंग कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 15% एंड रेस्ट कम्स फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट से। जैसे कि आप देख रहे हो ब्रेक रेवेन्यू का ब्रेकअप बताया गया है कि पहले एक तो 75% कैसीनो से आता है, 15% ऑनलाइन गेमिंग से, बाकी का जो रेस्ट बचा वो हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट से आता है गाइज। तो गाइज चलिए देखते हैं इसके चार्ट पे गाइज। ये देखिए पहले ये स्टॉक 332 तक पहुँच गया था और अब आपको जैसे कि देख रहे हो 209 पे मिल रहा है। और इसके प्रोज देखिए, कंपनीज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री, ठीक है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कौन से सकते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग 2.8 times इट्स बुक वैल्यू। द कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 6.7% ओवर पास 5 years। प्रमोटर होल्डिंग इज लो 33%। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 3.88% फॉर लास्ट 3 years। तो गाइज हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी देख लेते हैं। सेल्स जैसे कि आप देखोगे तो सेल्स हमें रिवेन्यू आप देख रहे हो जो कि हमें बढ़ता हुआ नजर आया 250 करोड़ का है। वहीं एक्सपेंस भी 163 करोड़ के बढ़ते हुए नजर आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हो 88 करोड़ का हुआ है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो उससे ज़्यादा है, अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो थोड़ा कम है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख सकते हैं जो कि 78 करोड़ का है, और नेट प्रॉफिट 57 करोड़ का, जो कि हमें अच्छा मान देखने को मिलता है। तो गाइज आप हिस्ट्री ग्रोथ देखेंगे तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखेंगे 10 साल की 5% की, 5 साल की 6%। वही गाइज देखिए CGR और ये सब हमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें नेगेटिव उसमें देखने को मिलता है, लेकिन गाइज ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में दोबारा से आपको पॉजिटिव वे में नंबर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। वहीं कहीं ना कहीं जैसे कि 5 साल में जैसे कि आप कह सकते हो रिटर्न ऑफ इक्विटी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, लेकिन जहाँ सेल्स ग्रोथ नेट प्रॉफिट अगर बढ़ता हुआ अच्छा नजर आएगा, देखिए प्रॉफिट में ग्रोथ तो हो रही है धीरे धीरे और भी अच्छी होगी, तो जिसकी वजह से रिटर्न ऑफ इक्विटी भी हमें आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो देखिए पहले 32 थे तो अभी प्रमोटर्स हमें बढ़ते हुए नजर आए 33.33 हुए हैं। FIIs की भी आप देख सकते हो जो इन्वॉल्वमेंट है थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई, लेकिन वही अगर हम बात करें देखिए 2020 के बाद थोड़ी सी हमें कम होती हुई नजर आई है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 7.69 हुई है FIIs में भी की इन्वॉल्वमेंट भी। DIS की भी इन्वॉल्वमेंट आप देख सकते हो बढ़ती हुई नजर आई है। पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी पिछले क्वार्टर से कम होती हुई नजर आई है। कैसे देखिए स्टॉक थोड़ा सा मतलब कह सकते हो इसकी परफॉर्मेंस और नंबर देखने से ऐसे पता चलता है कि ठीक ठाक ही है, इसकी परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही है। देखिए गाइस अभी जिस प्राइस पे भी मिल रहा है 209 पे, इसमें -0.91% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अभी हम इसको बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। जरूरी नहीं है कि गाइस अभी ये इतने पे मिल रहा है तो आगे भी बहुत तगड़ा भाग सकता है ये स्टॉक। बाकी गाइस कोई रिकमेंडेशन या कॉन्फ्लुएंस नहीं, डिपेंड आप लोगों पर करता है स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट का, तो आप इसको अपने भी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो, उस पर नजर बनाए रखते हो। गुड बाय गाइस, थैंक यू। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो करती हूँ। तो बाय गाइस।